पटल पर अगर देखा जाए आजकल तो बहुत ये दिखाती हैं कि भारत किस ओर जा रहा है और दुनिया किस नज़रिए से भारत को देख रही है। बिल्कुल, वो नज़रिया बहुत अहम है क्योंकि वो नज़रिया बहुत पॉजिटिव के साथ साथ अब बात ग्लोबल साउथ के तौर पर, जिस तरह से जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, और उस लीडर की हमने बात देखी पापुआ न्यू गिनी में, लीडर का तमगा, और यहाँ पर बॉस की उपाधि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलंकृत किया गया, सरदार, बॉस यानी कि प्रधान सेवक। तो काफ़ी अहम ये दौरा, और इसी पर बात करने के लिए सुधाकर दास हमारे साथ सिडनी से जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम मान सकते हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री के नाम का जयकारा, और ये अब डिप्लोमेसी की एक अलग ही सूरत को बयां करता है। ये जो कूटनीतिक हमने अंदाज देखा है प्रधानमंत्री का, ये अनूठा है, अलहदा है। आप लगातार मौजूद रहे, आप देख रहे हैं, किस तरह की डिप्लोमेसी को आप समझ पा रहे हैं? और सबसे अहम बात यहाँ पर ये, जब दोनों देश इस बात पर लगातार वकालत करते हुए कि दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग एक अहम धुरी होगी आने वाले समय में। बिल्कुल।